Hi. Hey, what's up? क्या कर रही है? Plane उड़ा रही हूँ. Plane उड़ा रही है? हाँ, इतनी देर से उड़ा रही हूँ, बस land करने वाला है. What? One second. I'm just landing it, and it has. It landed. Hello everyone and welcome to Behensplaining. Today we will be reviewing Netflix ki latest peshkash, Gunjan Saxena, the Kargil girl. Spoiler alert, this review contains spoilers. It's a movie based on an actual person, Kusha. So I think Wikipedia will have more spoilers than this review. This movie is based on the life of Gunjan Saxena. So we are reviewing the movie and not the real people. So please koi doubt mat rakhna. And with that disclaimer in place, let's get started with the movie, which begins with a lot of help comes in the form of Indian Air Force pilot Gunjan Saxena. Bhai sahab, kya goosebumps wala moment tha na yaar. Rongte khade ho gaye mere to. Maine kali vaccine kiya hai so. From now on, the movie gets into a flashback and we get to see ki Gunjan Saxena aakhir Air Force pilot bani kaise. Tiny Gunjan, who by the way looks freakishly similar to Janhvi Kapoor, is travelling by plane. Aur uske bhai ne har bade bhai ki tarah window seat hadap li. At which point an air hostess feels bad for Tiny Gunjan and takes her into the cockpit. Yaar, mujhe to kabhi bhi aisi air hostess nahi mili. Mujhe to hamesha chocolate deke chup kara dete hain. Kara dete the, of course. ब्लू स्काई और व्हाइट क्लाउड्स देखते ही टाइनी गुंजन डिसाइड्स कि उसको पायलट बनना है। ये तो सृष्टि हम सब ने किया लाइफ में। हाँ, पहले हमें पेलियंटोलॉजिस्ट बनना होता है, फिर डिटेक्टिव, फिर लाइफ में एक इंडी फेज आता है जहाँ पर हम ये बिलीव कर लेते हैं कि हम मरीन बायोलॉजिस्ट बन जाएंगे, और फिर फाइनली अपने औकात पे आके हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग ही बेस्ट है। बट हमारी गुंजन ऐसी नहीं है। उसने तय किया है कि उसको पायलट बनना है, तो मतलब उसको पायलट ही बनना है। बट द मोमेंट शी कन्फाइड्स इन हर ब्रदर, वो उसके पर काट देता है। व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप? लड़कियां पायलट नहीं बनती। और पूछ, सर वेज और नॉन वेज? बू, यू शुड बी ब्रो बट यू आर बू। पर गुंजन के पापा, हाय, सो अहेड ऑफ हिज टाइम्स। So ahead of our times also, Srishti. इतने सरल, स्पष्ट और सपोर्टिव, टू गुड यार, अपने सेक्सिस्ट बेटे को ऐसे चुप कराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहे। मुझे लगता है तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। This only goes to show that sexism doesn't always necessarily start at home. It's like corona. ये कहीं भी, किसी से भी, कैसे भी फैल सकता है। वाह, तो फिर गुंजन grows up with the sole motive of becoming a pilot and enrolls herself in an aeroplane school. जमाइला एयरघाट, it's not aeroplane school, flying school. Flying school. Economy trying to be business class. गुंजन is scared कि उसके पापा मम्मी अलाउ नहीं करेंगे। Enter मम्मी। तुम्हें पता हमारी फैमिली की क्या कंडीशन है? अरे माँ, मुझे पता है। हमारे जमाने में ना बेटा, when we were your age ना बेटा, in our times ना, if your mother starts any of her sentences with these, know that you are irresponsible, spoiled and बिल्कुल नलायक। बिल्कुल। तो मम्मी तो बिल्कुल मना कर देती है, पर पापा comes to the rescue। मान गई ना? नहीं, मैं मान गया। अपनी सारी बेसिक पढ़ाई खत्म करने के बाद गुंजन अप्लाइज टू बी अ पायलट, बट देन शी गेट्स टू हियर दिस। एडमिशन फॉर्म भरिए और 10 लाख जमा करिए। लाना, प्लीज प्ले दिल के अरमां आंसू में बह गए। बट आवर एमवीपी हैज अ सॉल्यूशन फॉर दिस आल्सो। एमवीपी? अरे मोस्ट वैल्यूएबल पापा। Join the Indian Air Force, apply for the first. वाह पापा वाह। गुंजन एयर फोर्स का टेस्ट देने जाती है, जहां पर बाय द वे वो काफी ज्यादा किल कर देती है। गुंजन का भाई ये कहता है, पापा ने तुझे जो दुनिया दिखाई है वो असली दुनिया से बहुत अलग है। मैं दुनिया का नजरिया तो बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुझे समझा सकता हूँ। ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ वाला सेक्सिज्म इज टू इरिटेटिंग। पूरी दुनिया पता नहीं क्यों ये रट के बैठी है। देवियों और महिलाओं, आपका इस दुनिया में स्वागत है। बाहर का तापमान जो भी हो, आप पूरे कपड़े पहनकर खुद को ढके रहिए। अपनी कुर्सी की पेटी को अपने बालों की तरह बांध लें, ताकि आप समाज में किसी के भी खिलाफ ना उठ सकें। आपसे निवेदन है कि अपने सामान कक्ष का ध्यान रखें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपका दुपट्टा ऊपर से नीचे की ओर गिर सकता है, तो उसे तुरंत ओढ़ लें। ध्यान रखें कि किसी और के दुपट्टे को पहनाने से पहले अपना खुद का दुपट्टा ठीक से पहन लें।
इस यात्रा में शिक्षा कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अगर आप पढ़ भी लें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी के बिना आपकी यात्रा व्यर्थ और दुखद रहेगी। अपने मोबाइल फोन्स को पूरी यात्रा भर ऑन ही रखें, क्योंकि आपके परिवार वाले आपको दिन में 36 बार कॉल करेंगे। इस यात्रा में आपको सपने देखने का पूरा अधिकार है, परंतु उन्हें पूरा करने की कोशिश ना ही करें, इसी में आपकी भलाई है। एक्चुअली फक दैट, क्यों ना देखें सपने, क्या बुराई है सपने देखने में? गुंजन ने भी तो सपना देखा ना, और बनी ना वो पायलट। कुशा, वी कैन डू इट, वी कैन बोथ बिकम पायलट्स। ऑफ कोर्स सृष्टि, यू कैन डू इट एंड यू मस्ट। अरे मैं कह रही हूँ, वी कैन डू इट, बोथ ऑफ अस। नहीं, पर मुझे तो एयर होस्टेस ही बनना था। आई एम हैप्पी। कॉफी और टी? टी, यू विल हैव टू पे फॉर दैट। वंस गुंजन रीचेस द कैंप, उसको ये रियलाइज होता है कि पापा तो अनोमली है और सिस्टम तो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वहाँ पर गुंजन को फेनेस क्रीम के शेड कार्ड की तरह भिन्न भिन्न प्रकार का सेक्सिज्म देखने को मिलता है। गुंजन हमारी हार मानने वालों में से तो है ही नहीं। शी ओवरकम्स एवरी अननेसेसरी ऑब्स्टिकल एंड इट इज वेरी कूल टू वॉच हर डू दैट टू सम ग्रेट बैकग्राउंड म्यूजिक। I'll be 100% more impressive and productive if I had inspiring background music. It's interesting you say that, Srishti, because I know just the perfect one for you. What is it? Hit it! In response, Gunjan gives a very passionate speech and it's literally everything you've been thinking this whole time. At the end of which, you wanna say, You go girl! And she goes. She goes back home because usko realize hota hai ki speech dene se kuch nahi hoga. The last 20 minutes of the movie are real edge of the seat watch with some real CT Mar moments. Arre do hi bacche hain aur dono ko jang ke maidan mein bhej diya. Sab aapki tarah sochne lag gaye to desh ki raksha kaun karega? What I really like about this film is that it's only about Gunjan and her dream to become a pilot. There's no flashback ka romance or college ka bichra pyar or photo se baate, none of that. It's a movie about a girl and her dream to become a pilot, and that's it. It is an absolute delight when the supporting cast is so good. Aisha Raza as the quintessential mom, Angad Bedi as the overprotective brother, Vineet Kumar Singh as the kharoos senior, and yet again stealing the show is the fantastic Mr. Pankaj Tripathi. तुम्हें करने जा रही है जो दुनिया हर एक लड़की से उम्मीद करती है। यार वो कैसे कर लेते हैं यार, मतलब उनको देख के लगता है कि वो एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, वो कैरेक्टर बन गए। Like how? How can he do it? How is one man so talented? I just don't understand, you know. Yeah, like, and this right here is called overacting, jo Pankaj ji kabhi bhi nahi karte hain. Kabhi bhi. That brings us to the end of the review. Please definitely check out Gunjan Saxena. Bahut hi sahi picture. And as usual, like, share and comment se bataye ki aapka bachpan ka aisa kaun sa sapna hai jo aapne pura kiya hai. As for me, mera Srishti ke saath kaam karne ka sapna pura ho gaya. You're welcome, Kusha. I am a delight to work with. And we get to see how Gunjan pilot became Air Force Saxena. We get to see ki Gunjan pilot kyun bol rahi hu main bhai, kya bakwas hai ye. Tiny Gunjan, who by the way looks freakishly similar to Janvi Kapoor, is on a flight. Where is she? On the plane. She's traveling by flight. On the freakishly similar to Janvi Kapoor is every gujubo and a gede gujilile fole vole. पचास व्यूज काटो, ये ओवर एक्टिंग का, 50 व्यूज काटो।